कमलाकांत जोशी। मध्य प्रदेश के खरगोन की कृषि उपज मंडी में कृषि उपज मंडी स्थित पेयजल टंकी की कई महीनों से सफाई ही नहीं की गई है, जिससे नल के पानी में कीड़े निकल रहे हैं। सैकड़ों किसान और हम्मालों को प्यास बुझाने के लिए होटलों का सहारा लेना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में हजारों किसान प्रतिदिन उपज लेकर पहुंचते हैं। किसानों की प्यास बुझाने के लिए कृषि उपज मंडी पर पेयजल टंकी तो बनाई, लेकिन टंकी की सफाई महीनों नहीं हुई। इससे पानी के साथ नलों से निकल रहे कीड़े, किसान और हम्मालों ने कृषि उपज मंडी से पानी पीना छोड़ा। मजबूरी में किसानों को आसपास के होटलों में पीना पड़ रहा पानी। महीनों सफाई नहीं कराने से किसानों में है नाराजगी। किसान और हम्मालों ने बताया कई महीनों नहीं, एक साल से टंकी साफ होते हमने नहीं देखी। पहले साफ होती थी, अब पानी पीने की इच्छा नहीं करती। किसानों ने नल की टोडी पर जाली लगाकर और बोतल में पानी लेकर पानी के साथ आए कीड़े दिखाए। किसानों ने इस मामले में शिकायत कृषि उपज मंडी सचिव को की है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। बच्चे से पानी मंगाया तो बच्चा बोलता है कि कीड़े आयल है, पानी नहीं लाता। तो क्या आपने देखे बाटल में? बाटल ले जब आया तो देखा कीड़े आयल है। अच्छा, क्या खाने खाते हैं और पानी में अब कब से हम ये पानी पी रहे हैं? सहयोग का हम तो जाते हैं पानी ऐसे लेते हैं, भूख से ना पानी पिया करते हैं। क्या है मालूम करें कब से हम मतलब ये पानी पी रहे हैं, और हमारों को क्या बुखार ताव ये बीमार भी पड़ जाते हैं, तो हमको मतलब इतनी वो परेशानी होती है। अभी कोई हम बोलो तो कोई इसका ध्यान नहीं रखता है। तो अभी क्या पानी में क्या कीड़े? पानी में कीड़े है ना सर, आप देखो ना डब्बे में भर के ना। अब हमने फिर क्या करना, मजदूर इंसान, हमने कहाँ जाना पानी पीने? टंकी की सफाई कब से नहीं हुई? टंकी की सफाई तो हमने देखी नहीं अभी। कितना साल हो गया आपको? हमको यह समझो 40-45 साल काम। 45 साल में टंकी साफ नहीं हुई? हाँ नहीं, जब पहले होती थी मगर अभी नहीं हो रही है। कब से नहीं हुई ये? अभी मतलब ये समझ लो कि साल भर से नहीं हुई। सर, मंडी की पानी की टंकी है, उसमें जो मजदूर हम्माल जो भी लोग यहाँ से पानी पीते हैं, उसमें जो पानी सप्लाई हो रहा है कई दिनों से, कई सालों से साफ नहीं हुई है, पानी में कीड़े आ रहे हैं। कई सालों से तो नहीं है, रेगुलर सफाई होती है, उसका रजिस्टर भी वगैरह भी रखते हैं। एक्चुअल में अभी क्या बरसात का सीजन है और पानी बिल्कुल लेवल कम हो गया है, और मुझे अभी संज्ञान में बताया था, आप लोगों ने बताया, मुझे बताया कि थोड़ा बहुत जंतु कहीं आ रहे हैं, तो शायद आसपास कुएं के पानी अंदर जाने से उसके चढ़ाई में, उसको हमने सफाई भी करवा दिया है, और भविष्य में ऐसी कोई समस्या में ब्लीचिंग पाउडर वगैरह हम रेगुलर डलवाते हैं और वही पानी हम भी पीते हैं, मतलब हमारे घरों में वही सप्लाई जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम किसी के साथ कोई चीज़ गलत करेंगे। तो हमने उसको बिल्कुल, उसके बाद कल परसों मैंने सफाई भी करवा दी, उसको रेगुलर कर दिया। उसका ये कहना था कि सर अभी एकदम अपन पानी की कमी है अपने पास, और बीच में उसको 8-10 दिन से उसको सही करना, सफाई करवाना भी चाह रहे थे, और वो पानी गिर गया तो शायद कुएं में आसपास जो वो है तो उसके कारण जंतु वगैरह चले गए होंगे इतने भी पास। तो उसकी अब सफाई होगी? सफाई होगी, रेगुलर होगी, और अभी भी करवा दी हमने सफाई, और भविष्य में क्योंकि हम भी कोई पीना है वो पानी। क्या शुभ नाम सर? मैं रामनगर मंडी से। मध्य प्रदेश